हेलो मास्टर, तो आज हम पाइप का एक हॉकी स्टिक बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और लाइन के बीच हाफ इंच का गैप होगा और जो पाइप में ज्वाइंट होगा उसके अपोजिट साइड होगा जो कि हम लाइन पारेंगे उसके अपोजिट साइड। और जो इसमें है हाफ इंच पे फिर से लाइन पार लेंगे जितना आपको मोड़ना है उतने हिसाब से, और इस तरह से काट लेना है हाफ इंच पे और जो लाइन पारा था उसके छोड़ के, और फिर आपको मोड़ लेना है जो गैपिंग है उसकी उसी के अकॉर्डिंग, और जहाँ से आपको लगता है कि वहाँ से मोड़ना चाहिए वहाँ पर आपको काट देना है, थोड़ा सा काटना है फिर मोड़ते जाना है उसी तरह नीचे चापिएगा। और मोड़ते मोड़ते कभी कभी ज़्यादा काट लीजिए जैसे कि इस तरह मुड़ जाए, और मोड़ने के बाद आप शेप लेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और नीचे वेट ऐड करेंगे थोड़ा नीचे स्टिक भारी होने के लिए, क्योंकि नीचे जो मेटल था जो कट गया था इसके कारण काफ़ी हल्का हो गया नीचे, तो मेटल ऐड कर देंगे इसमें जो राउंड है वो यूज़ करेंगे और वेल्ड कर देंगे। इसमें गैस वेल्डिंग का यूज़ होगा, मैं आर्क वेल्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ, इसके कारण ये गल गया है बहुत जगह से। इसको ठीक करने के लिए एमसील का यूज़ करेंगे, एमसील लेंगे मिला के और अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ से, और इसको अच्छे से देखने में अच्छा लगे इसलिए, और पानी की मदद ले सकते हैं शेप अच्छे से देने के लिए। उसके बाद भी अगर ना ही ठीक हो तो स्रेस से या कुछ से रगड़िए, पहले मैं पाइप रगड़ लूँगा अच्छे से स्रेस से, और उसके बाद एमसील लगाए हैं उसको रगड़ लेंगे ग्राइंडर की मदद से, क्योंकि वो स्रेस से हो नहीं रहा था इसके कारण, जो कि सैंड पेपर स्रेस हम लोग बोलते हैं इस तरफ। और फिर से ब्लैक पेंट करेंगे और रेड, जो कि हमारा पिछला दिन था चार पेपर बनाए थे उसी हिसाब से, और जो रेड कलर है उसको सिर्फ शीटिंग ब्लड इफेक्ट देने के लिए, और जो हमारा फाइनल स्टिकर है वो लगाएंगे इस पर, और अभी देखिए ऐसा दिख रहा है, और मॉन्स्टर का स्टिकर है वो लगाएंगे हम अपना, जो कि हमने चार वेपन पिछले वाले पे लगाए थे उसी हिसाब से, और देख सकते हैं काफ़ी मस्त दिख रहा है। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, और चार और वेपन बनाए हैं आप देख सकते हैं इस तरह से, और चारों अलग अलग पाँचों अलग अलग तरीके से बनाया गया है। थैंक यू सो मच।